खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। नमस्कार भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज पे बहुत 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 स्वागत है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। तहलका न्यूज देखने वाले सभी अपने दर्शक भाइयों का बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग तहलका न्यूज देखते रहें, राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों से सरोकार है तहलका न्यूज का। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनछुला गांव में उपस्थित हूं, जहां मां काली का बड़ा ही दिव्य और भव्य मंदिर है। यहां मां स्वयं प्रकट हुई थी, मंदिर के पुजारी जी द्वारा बताया गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये माँ का मुख्य द्वार है, माँ का ये मुख्य द्वार है, जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं। ये माँ का मुख्य द्वार है, यहाँ से भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मैं आपको मंदिर परिसर में ले चल रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मुख्य द्वार से आप अंदर प्रवेश करेंगे, माँ का दर्शन शुरू हो जाएगा, और सूर्य भगवान की कृपा, सूर्य भगवान के भी दर्शन कीजिए। यह मंदिर बड़ा ही भव्य, बड़ा ही रमणीय और बहुत ही जागृत स्थान है, जहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फल हो जाएगा। हमारे यहाँ कुआं काफी पुराना, पहले यह कुआं था जिससे जल माता जी को भी चढ़ता था, यहाँ भोजन भंडारा बनता था, और बारह महीने यहाँ भीड़ का दृश्य देखा जाता है। इसमें जल है, इसमें आज भी जल है, बारह महीने जल से भरा रहता है, बारह महीने जल से भरा रहता है। आप लोग पुजारी जी यहाँ पर जो है मुंडन संस्कार, शादी विवाह, यही एक मंदिर अपने जिले का है, भी आप जान लीजिए, यही एक मंदिर जिले का है जो वैवाहिक प्रमाण पत्र भी जारी करता है। यह एक मंदिर ऐसा है पूरे जिले में अपने कि जो वैवाहिक प्रमाण पत्र जारी करने की हैसियत रखता है, और काफी सूझबूझ के साथ यहाँ प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। शादी विवाह, मुंडन संस्कार, पूरे कार्यक्रम बारह महीने चला करते हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला यह मंदिर स्थान है। सीधे मुख्य मार्ग पर गोरखपुर, आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर, मुख्य मार्ग पर, यह जीयनपुर से 6 किलोमीटर उत्तर गोरखपुर वाले मार्ग पर स्थित है, और चन्नाराम कालिका दुर्गा धाम के नाम से यह मंदिर विख्यात है। जो लोग भी श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं, माँ उनकी मुरादों को पूरा करती हैं। इसी का परिणाम है आज पूरे जनपद के कोने कोने से पूर्वी पूर्वांचल के लोगों का आने जाने का बारह महीने कार्यक्रम लगा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, हम आपका संदेश तहलका न्यूज के माध्यम से ईश्वर में आस्था रखने वालों को सुनाएंगे, उन्हें बताएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं तहलका न्यूज के माध्यम से आप भक्तों को? मैं चाहूंगा कि सभी लोग श्रद्धा भाव के साथ, आज भी कलयुग में जो भी लोग भगवान के शरणों में जाते हैं, शरणागतो दीनार्थ पत्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते कहा गया है, कि जो लोग भी भगवान के शरण में श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, निश्चित रूप से उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में आप ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे वैज्ञानिक प्रमाण संस्थान करते हैं, वहाँ पर भी भगवान की आराधना करने के बाद ही उसको आगे बढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि जो भी हमारे भारत की बहुत बड़ी भौतिक परंपरा नहीं, या आध्यात्मिक विश्वास है कि भौतिकता तभी प्राप्त होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। यहाँ के जो भी निर्माण कार्य होते हैं, जो भी विज्ञान और वैज्ञानिक कार्य शीर्ष और शिखर पे हैं, वो अध्यात्म की शरण में अपना प्रारंभ करते हैं और अध्यात्म से ही अपना अंत करते हैं। इसके साक्षात प्रमाण भारत के यशस्वी राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी थे, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, और पूरे देश को एक गौरवशाली इतिहास प्रदान किए, जो इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। यह अध्यात्म की ही पराकाष्ठा है। बताया जाता है कि अब्दुल कलाम जी बहुत ही आध्यात्मिक थे और वो बहुत ही दिव्य व्यक्ति थे। आप लोग इस समय इस मंदिर की भव्यता दिव्यता को मंदिर के पुजारी जी के द्वारा सुना। मैं रंजीत राय तहलका न्यूज से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आध्यात्म ही इंसान का शुरू भी है और अंत भी है। आध्यात्म के शरण में रहने वाले व्यक्ति के मन में कभी नकारात्मक भावना नहीं आती है, वो कभी भयभीत नहीं होता है, और उसे कभी भी हर्ष और विषाद नहीं होता है। उसे सफलता मिलती है तो ईश्वर का प्रसाद मानता है, और उसे असफलता मिलती है तो अपने कर्मों की चूक मानता है, पूर्व जन्मों का फल मानता है, जिसे सहर्ष स्वीकार करता है। और उसे जब सफलता मिलती है तो अपनी उपलब्धियों को गरीबों में दान करता है,
और खुद को कहता मैं भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे इसके लायक बनाया। मैं रंजीत राज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने चीफ एडिटर देखिए अरुण सिंह भीमा जी की भी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे स्वच्छता की भी दृष्टिकोण से इस मंदिर पे देखिए बिल्कुल कितना स्वच्छ है, आप देख सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही दिव्य है, भव्य है और बहुत ही रमणीय है। हजारों लोगों की भीड़ थी यहाँ पर, फिर भी पूरा मंदिर कर्मचारियों द्वारा साफ रखा जाता है और भोजन करने के बाद पत्तल पूर्व व्यास को हमने कूड़ेदान का व्यवस्था किया है जो स्वच्छता का जो है प्रतीक है और सभी लोग इसमें अपना पूरा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का महामिशन स्वच्छ भारत मिशन को भी पुजारी जी हृदय से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कोई माँ की शरण में, भगवती की शरण में, गुरु की शरण में रह करके किसी कार्य का प्रारंभ करता है तो उसका सुखद और ऐतिहासिक अंत होता है। इस स्वच्छ भारत मिशन में आपके इस सहभागिता के लिए, आपके इस संदेश के लिए तहलका न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद देता है पुजारी जी। आप लोगों को अगर इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता आप लोगों को समझ में आई हो तो तहलका न्यूज पे अपना विचार, अपना आशीर्वचन दें और मार्गदर्शन दें और आकर के निश्चित रूप से एक बार अपने जीवन में इस माँ की महिमा का दर्शन करें और जीवन को सफल बनाएं। दिल से, हृदय की भावनाओं से, अंतःकरण से आप दर्शन करें और आप देख सकते हैं वही माँ काली जी का चबूतरा है जहाँ की महिमा पुजारी जी ने बताया और वहाँ लोग भक्त माँ की, अब भक्तों का आना शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं अब ये आने का सिलसिला जब शुरू होगा तो देर शाम तक चलेगा। मैं रंजीत राय बहुत भाग्यशाली रहा आज कि आज मेरे बड़े भाई प्रख्यात समाजसेवी श्री अजीत राज राय जी ने मुझे प्रेरित किया और इस मंदिर पे लाए। मैं इसके लिए अपने बड़े भाई का जीवन भर ऋणी रहूँगा। आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत और सामाजिक कार्यों में सदैव तत्पर रहने वाले श्री अजीत राज राय का मैं ही नहीं हर इंसान वो ऋणी रहेगा जो उनके विचारों से सहमत होगा, क्योंकि उनके विचारों में किसी तरह की प्रादुर्भावना नहीं है, बस जन कल्याण की एक भावना है। ये देखिए ये स्थान है सिद्ध चौतरा माँ कालिका जी व वरुण वृक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जीवन, आज का दिन मेरा सफल हो गया। जिस दिन अच्छा कार्य इंसान कर लेता है उस दिन उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि दीनहीन में भगवान बसते हैं, नफरत करने वाले प्यार को तरसते हैं, जो करते हैं दूसरों का सम्मान उनके घर तो धन कुबेर बरसते हैं। इंसानियत इंसान को महान बना देती है, मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है। बहुत बड़ा धन्यवाद। मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है, इसलिए ईश्वर में विश्वास कीजिए और अपनी आस्था माँ के चरणों में लगाते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों का कल्याण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच शहादतपुरा मऊ। खबरों से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें तहलका.in पर।